नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं आशीष कुमार। वक्त हो गया है बिहार की 10 सुपर फास्ट खबरों का। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज फिर बिहार को 14,258 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात दिया है। पीएम मोदी ने राज्य के 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने वाली सेवाओं का उद्घाटन तथा सड़कों और पुलों से जुड़ी 9 परियोजनाओं का भी आज शिलान्यास किया है। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही के दिनों में बिहार में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेतु, पीने का पानी और सिंचाई से संबंधी कई परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज कहा कि कृषि को लेकर केंद्र सरकार ने जो नया कानून लाया है वो किसानों और गांव के हित में है और इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि इसको लेकर जो रविवार को राज्यसभा में हुआ वो गलत था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के शिलान्यास कार्यक्रम पर कटाक्ष किया है। तेजस्वी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2014 के चुनाव में विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था तो 2015 में बहुचर्चित विशेष पैकेज का वादा किया था जो अभी तक नहीं दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आज चुनाव के वक्त फिर 5 वर्ष बाद पुनः पैकेजिंग हो रही है लेकिन बिहार के लोग मूर्ख नहीं हैं। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि इनको सब काम वर्षों के बाद और चुनाव के समय याद आते हैं और चुनाव जाते ही ये सब भूल जाते हैं। बिहार में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर देश में सर्वाधिक 91.60% होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अब गंभीर रोगों से ग्रस्त कोरोना संक्रमित मरीजों और 50 वर्ष से अधिक उम्र के कोरोना संक्रमितों की तलाश शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोमोरबिलिटी वाले कोरोना संक्रमितों और 50 वर्ष से अधिक उम्र के कोरोना संक्रमितों मरीजों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। बिहार के किसान जल्द ही पोषक तत्वों से भरपूर गेहूं और अन्य अनाज अपने खेत में उपजाएंगे। दरअसल राज्य कृषि विभाग की पहल से कुपोषण की समस्या से निपटने और उच्च पोषण मूल्य की फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए पटना के बाहरी इलाकों में स्थित कुकर बिघा गांव के लगभग 1,800 किसान आगामी रबी सीजन में जैविक गेहूं की खेती शुरू करेंगे। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 की तैयारी पूरी हो गई है, जहां ये परीक्षा 22 सितंबर को सूबे के 10 शहरों पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, छपरा, दरभंगा, मधेपुरा, मुंगेर व पूर्णिया में 278 परीक्षा केंद्रों पर होगी। आपको बता दें कि इन परीक्षा केंद्रों पर कुल 1,22,331 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बिहार में शराबबंदी के बीच भागलपुर के भवानीपुर थाना में तैनात 2 एसआई अपनी बैरक में नशे में धुत पाए गए, जहां इसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीपीओ ने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं इस दौरान एक एसआई सुभाष यादव पकड़ा गया तो वहीं दूसरा परमहंस सिंह मौका देखकर भाग निकला। वहीं इस मामले की जांच के बाद एक को जेल और दूसरे को निलंबित कर दिया गया है। बिहार के सिवान जिले में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर लगातार दूसरे दिन हमला हुआ है, जहां ये घटना जिले के जीवी नगर थाना के राजागौर गांव में घटी। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह यानी कि आज छापामारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर शराब कारोबारियों ने हमला कर दिया, जहां इस हमले में एक तरफ जहां इंस्पेक्टर गुंजेश कुमार को गंभीर चोटें आई हैं वहीं अन्य कई जवान घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक इन सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीपीआई और सीपीएम के नेताओं ने राजद कार्यालय पहुंचकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात की है, जहां मुलाकात में सीट साझेदारी को लेकर दो टूक चर्चा हुई। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक वाम दलों के साथ सीट साझेदारी की स्थिति इस हफ्ते साफ हो जाएगी। बिहार में लंबे समय से यूनिवर्सिटीज में सहायक प्राध्यापकों के खाली पद अब भरे जाएंगे। दरअसल राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में कल 52 विषयों के 4,368 रिक्त पदों पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय सेवा आयोग को सिफारिश भेज दी है। भारी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा से कृषि विधेयक 2020 पास होने के बाद से लगातार विपक्ष सरकार को घेर रही है। वहीं बिहार के सहरसा में जन अधिकार पार्टी के नेता रंजन प्रियदर्शी के नेतृत्व में कृषि विधेयक को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किए हैं, उन्होंने किसान विरोधी 3 अध्यादेश लाए हैं जिसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये अध्यादेश जो इन्होंने लाया है प्रधानमंत्री ने बिल्कुल किसान विरोधी है, जन विरोधी है और सबके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पप्पू यादव जी का आह्वान पे हम लोग पूरे बिहार भर में आज प्रदर्शन कर रहे हैं
और 27 तारीख को हमारा बिहार बंद का ऐलान किया गया है। उस दिन हम लोग पूरा बिहार बंद करेंगे, नहीं तो ये अध्यादेश वापस लेना देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी। तो ये थी बिहार की 10 सुपर फास्ट खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की तमाम खबरों से और आगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट। नमस्कार।